अस्सलाम वालेकुम पीएमएस के प्लेटफॉर्म में खुश आमदीद। मेरा नाम सुमेरा है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहावलपुर के प्रोजेक्ट, क्योंकि बहावलपुर में हमारे पास कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं। तो बेसिकली हमारे पास बहावलपुर में दो प्रोजेक्ट हैं। अगर आप शॉप्स के रिलेटेड इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो हमारे पास जो प्रोजेक्ट अवेलेबल है वो मालगेट के नाम से अवेलेबल है। और सेकंड प्रोजेक्ट अगर कोई आप रेजिडेंशियल प्लॉट लेना चाह रहे हैं या कमर्शियल प्लॉट लेना चाह रहे हैं तो वासी एवेन्यू के नाम से हमारे पास प्रोजेक्ट अवेलेबल है। यानी हमारे पास दो बेहतरीन ऑप्शन अवेलेबल हैं बहावलपुर में। वन बाई वन हम इसको डिस्कस करते हैं कि इन प्रोजेक्ट का ये लोकेशन और पेमेंट प्लान वगैरह को हम थोड़ा सा देखते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मालगेट को। इसके अंदर ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो प्रोजेक्ट है, ये बेसिकली यहाँ सिर्फ शॉप्स अवेलेबल हैं। लोकेशन इसकी मुल्तान रोड है और यहाँ आपको जो प्रॉपर्टी है वो 63 लाख से लेके 1,70,00,000 तक आपको अपने पास यहाँ प्रॉपर्टी अवेलेबल होगी। SPD डेवलपर इसको डेवलप कर रहे हैं और शॉप की जो बेहतरीन ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। ये जो प्रोजेक्ट है मॉलगेट, इसके अंदर तकरीबन नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड मिला के टोटल 140 जो ब्रांड है जिनकी आउटलेट्स यहाँ अवेलेबल होंगी। ये जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली 2 फ्लोर्स के साथ है मॉलगेट। अगर इसकी प्रोजेक्ट की हाईलाइट्स को हम लोग लोकेशन हाईलाइट को डिस्कस करें तो ये कुछ इस तरह है कि रेलवे स्टेशन भी तकरीबन 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। जितने भी मेन बिजनेस हब हैं वो भी इससे तकरीबन 3 मिनट की ड्राइव पे या सर्कुलर रोड वगैरह है 3 मिनट की ड्राइव पर अवेलेबल है। फवारा चौक और हाई कोर्ट 3 मिनट के डिस्टेंस पर अवेलेबल है। यानी कि ये वो मैं चीज़ें आपको बता रही हूँ जो कि बड़ी प्राइम लोकेशन कंसिडर की जाती हैं। फ्रीद गेट वगैरह भी 5 मिनट के डिस्टेंस पर अवेलेबल है। जितनी भी एक मॉल के अंदर जो आप फैसिलिटीज़ को एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे सिक्योरिटी हो गया या अच्छे खुले रोड हो गए, उसके सिक्योरिटी सिस्टम हो गया या आर्किटेक्चर वाइज एक अच्छी स्ट्रक्चर का जो लेआउट होना, तो ये सब चीज़ें बड़ी अरेबिक जो है वो उसकी जो है इसका आर्किटेक्चर है, लेआउट है, वो अरेबिक डिज़ाइन के मुताबिक है। प्रोजेक्ट हाइलाइट्स के अंदर सबसे पहले तो ये है कि इसका जो ये लेआउट स्ट्रक्चर वाइज ये बहुत अच्छा डिज़ाइन है। यहाँ तकरीबन इंटरनेशनल और नेशनल ब्रांड 140 उसके आउटलेट्स हैं। 10% डिस्काउंट है अगर आप फुल पेमेंट कर देते हैं और 3 साल का ईजी पेमेंट प्लान है। इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए? एक तो ये है कि इस मॉल के अंदर आपको इजी पेमेंट प्लान है और सेकंड ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बहावलपुर से ये अप्रूव्ड है, यानी कि कोई सिक्योरिटी का भी किसी तरह का कोई इशू नहीं है। सेकंड ये है कि अगर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल गेन है, उसको आप 100% एक्सपेक्ट करते हैं अपकमिंग नेक्स्ट 3 ईयर्स के अंदर, और जो इसके अंदर डेवलपमेंट के अंदर जो मटेरियल यूज़ हो रहा है, इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर मटेरियल यूज़ हो रहा है, वो भी हाईली ग्रेड जो मतलब बेहतर जो क्वालिटी का मटेरियल है वो इसमें यूज़ किया जा रहा है। प्रोजेक्ट के अंदर जो बेसिक फीचर्स होते हैं वो तमाम तर चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ। आप इसके गूगल लोकेशन को भी चेक कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि एग्जैक्ट ये किस जगह पर लोकेटेड है। और सेकेंड, अगर आपने इसका मैप चेक करना है तो वो भी आप चेक कर सकते हैं कि ये किस तरह का बनेगा। तो ये इसका टोटल जो वो उसकी एरिया को डिफ़ाइन करके जो चीज़ें डिज़ाइन की गई हैं वो बता देगा इसको। फर्दर मोर इसके अंदर प्रॉपर्टी के जो टाइप्स हैं या शॉप्स हैं किस किस रेंज, मिनिमम जो से 574 से लेकर मैक्स 1525 स्क्वायर फीट तक जो शॉप्स हैं यहाँ अवेलेबल होंगी, जिनको अगर आप मरलास में भी चेक करना चाहें तो ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आप कि कितने मरले तक शॉप जो से ना यहाँ अवेलेबल हैं। पेमेंट प्लान को डिस्कस करते हैं हम लोग कि पेमेंट प्लान के अंदर क्या है। जैसा कि ये जो शॉप्स यहाँ जो शॉप है वो डबल स्टोरी शॉप मिलेगी आपको। नेट पेमेंट जितने भी आपने यानी जो भी आप जिस साइज़ को चूज़ करते हैं कि किस साइज़ की आपको शॉप चाहिए उस हिसाब से उसकी टोटल पेमेंट बनेगी। फॉर एग्जांपल आप ये फर्स्ट हम देख लेते हैं 574 एरिया वाली शॉप को अगर चूज़ करते हैं तो 63,11,140 रुपये आपकी इसकी नेट पेमेंट बनती है, जिसका 30% आपने पहले पे करना है और 36 इंस्टॉलमेंट है, यानी रिमेनिंग जो पेमेंट है उसकी इंस्टॉलमेंट बनेगी 36 इंस्टॉलमेंट। 3 साल का पेमेंट प्लान के अंदर आप इसको करना है और 20% पोजेशन का टाइम देना है। जब आपके 3 साल कंप्लीट होंगे तो पोजेशन के टाइम जो पेमेंट होगी, मोस्टली लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि जो पोजेशन चार्जेस हैं वो अलग से नहीं, ऐसा नहीं है। जो इसकी एक्चुअल फ़ी है, जो एक्चुअल सॉरी चार्जेस हैं इसके, उसी के अंदर उसी का टोटल है। यानी ऐसा नहीं है कि 63 लाख से अलग से आपने पोजेशन चार्जेस नहीं देने, उसी के अंदर इंक्लूड करके टोटल अमाउंट आपको बताई गई है, उसी का उसी में से ये चार्जेस इंक्लूड होंगे। सेकंड इसके अंदर है कि अगर आप फुल पेमेंट कर देते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट होगा, और अगर आप हाफ पेमेंट करते हैं तो आपको 5% डिस्काउंट इसमें आप अवेल कर सकते हैं। और फर्दर मोर कि अगर आपको कॉर्नर शॉप चाहते हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा 5% जो था वो भी आपको पे करना पड़ेगा इसके लिए। सेकंड जो प्रोजेक्ट है हमारे पास वो है वासी एवेन्यू, जिसके अंदर हम रेजिडेंशियल प्लाट और कमर्शियल प्लाट का हम डिस्कस करेंगे। ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर 20 लाख से लेकर 54 लाख तक आपके पास ऑप्शन है, रेंज है, प्राइस रेंज है। इस प्राइस रेंज के अंदर आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। इसकी जो लोकेशन बनती है वो बहावलपुर बाईपास है। रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल हैं। डेवलपर्स की बात करें तो वासिफ डेवलपर्स को डेवलप कर रहे हैं।
TMS से अप्रूव ये प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो ऑफ़र किया जा रहा है वो तकरीबन 5 साइज़ हैं इसके रेजिडेंशियल के, 4.5 मरला से लेके 12 मरला तक आपके पास प्लॉट कटिंग अवेलेबल है। कमर्शियल में आपके पास 5 मरले के प्लॉट अवेलेबल हैं। प्रोजेक्ट हाईलाइट्स को देखें तो इसमें एक तो ये है कि TMS से अप्रूव्ड है, बुकिंग आपकी जो सी 25% पे हो जाएगी 3 साल का भी, ये जैसे पीछे मैंने मार्केट की बात की उसी तरह इसका भी 3 साल का पेमेंट प्लान है। इसके जो मेन इसके रोड्स हैं वो 64 फिट जोड़े हैं इसके, और कारपेटेड रोड से 45 फिट हैं इसके, यानी कि अच्छे खुले रोड हैं। सिक्योरिटी सिस्टम अच्छा है, जो कंस्ट्रक्शन में मटेरियल यूज़ हो रहा है वो अच्छे ग्रेड का यूज़ होगा। लोकेशन हाईलाइट्स की अगर बात करें हम लोग तो इसके इर्द गिर्द कौन सी प्राइम लोकेशन अवेलेबल हैं, तो जिसमें मैकडोनल्ड हो गया, टोयोटा बहावापुर हो गया, कराची मोर, गुलजार सादिक हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, डेवो टर्मिनल हो गया, वारा चौंक हाई कोर्ट, ये 0 पॉइंट, ये वो प्राइम लोकेशन है जो इस प्रोजेक्ट से वासिफ एवेन्यू से तकरीबन आप कह लें कि 3 मिनट से लेकर 10 मिनट की 15 मिनट की ड्राइव में ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं इसके करीब। इस प्रोजेक्ट में आपको क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि ये तो एक तो ये अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, TMS से अप्रूव्ड है। सेकंड जो रेंटल यार्ड है वो तकरीबन 6 से 9% आपको एक्सपेक्ट कर सकते हैं एनुअल। इसमें कैपिटल गेन जो है 40 से 50% है अपकमिंग नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर, और जो डेवलपमेंट है वो ऑलमोस्ट इसकी कंप्लीट हो जाएगी नेक्स्ट 2 ईयर्स के अंदर आपकी ये डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं जिनका पेमेंट प्लान 3 साल का होता है या 4 साल का होता है, उसकी उसमें जो डेवलपमेंट का पीरियड रखा जाता है वो यही होता है 1.5 साल के अंदर वो कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाती है, और उसके बाद आप चाहे उसको फुल पेमेंट करके उस पर पोजेशन ले सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस होती है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोजेक्ट फीचर्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये सारे जो फीचर एक प्रोजेक्ट के अंदर हैं वो चीज़ें अवेलेबल हैं। उसके जो सोसाइटी मैप है वो भी आप चेक कर सकते हैं कि ये किस तरह, इसके मैप को भी आप देख सकते हैं। फर्दर मोर पेमेंट प्लान को डिस्कस करते हैं, पेमेंट प्लान कुछ इस तरह है इसका। फॉर एग्जांपल अपने 4.5 मरले का प्लॉट लेते हैं जो कि जिसकी प्राइस होगी 20,25,000, 25% आपने डाउन पेमेंट करनी है, और उसके बाद आपकी महीने की इंस्टॉलमेंट होगी, 36 इंस्टॉलमेंट है आपकी, 1 महीने की जो इंस्टॉलमेंट बनेगी 4.5 मरला एक प्लॉट की वो 30,938 रुपये बनेगी। आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको मंथली भी पे कर सकते हैं और आप उसको क्वार्टरली भी पे कर सकते हैं, यानी कि अगर आप 3 साल मंथली नहीं भी पे करते तो आप 4 माह के बाद उसके इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं। इसका भी 20% आपने पोजेशन का टाइम देना है। कमर्शियल के अंदर भी सेम ऐसे, यानी 44 लाख का प्लॉट है आपके पास, और पेमेंट जो सिनेरियो वो सेम ही है कि 25 आपने डाउन पेमेंट करनी है और 36 इंस्टॉलमेंट प्लस 20% पोजेशन के टाइम। इस प्रोजेक्ट के अंदर भी अगर आप फुल पेमेंट करते हैं तो 10% डिस्काउंट है, हाफ पेमेंट के ऊपर आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये थे हमारे बहावलपुर के प्रोजेक्ट में 2 प्रोजेक्ट हैं। अगर आप कमर्शियली भी किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो भी बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है हमारे पास, क्योंकि प्रोजेक्ट के अंदर जो मेन चीज़ें देखी जाती हैं वो तो उसकी लोकेशन देखी जाती है, प्लस ये होता है कि उसका जो पेमेंट प्लान है वो कितना कन्वीनियंट है कि हर बंदा उसको ईजिली अफोर्ड कर सके। तो ये दोनों चीज़ें इसके अंदर बड़ी बेस्ट हैं, बड़ी सूटेबल हैं हर पर्सन के लिए, जिनकी अगर इनकम कम भी है वो भी बड़ा इजीली उसको मैनेज कर सकता है। यानी कि महीने का 30,000 निकालना आई थिंक सो कि बहुत टफ नहीं होता, हर बंदा जो है उसको इजीली मैनेज कर सकता है। होप सो कि ये काफ़ी आपके लिए जो चीज़ें हैं वो काफ़ी डिटेल में चीज़ें आपसे मैंने डिस्कस कर ली हैं। इसके अलावा भी अगर कोई चीज़ आपको बहावलपुर के जो प्रोजेक्ट है उसके हवाले से मज़ीद अगर कोई क्वेश्चन हो या आप डिस्कस करना चाहें तो इसमें हमारा कंपनी का व्हाट्सएप नंबर भी है और मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर भी है, आप उसमें मुझे मैसेज करके फर्दर इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।